असलम स्टूडेंट्स आई एम वसीम कराम दिस इज़ दी थर्टी सिक्स लेक्चर इन सीरीज़ ऑफ़ फोर्टी फाइव लेक्चर्स ऑन डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन इन चल अच्छे होंगे लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कशन स्टार्ट की थी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सिक्वेंशल सर्किट्स यूजिंग पी एल डी डिवाइस कुछ हमने एग्ज़ाम्पल्स स्टैंडर्ड किस्म की एग्जाम्पल्स भी की थी आज उसी पर डिस्कशन होगी कुछ और इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स देखेंगे इससे पहले कि आज की डिस्कशन शुरू की जाए आइए देखते हैं पुराने जो कंटेंट्स हैं पिछले लेक्चर के उनको ज़रा रिव्यू कर लेते हैं लास्ट लेक्चर में हमने बात शुरू की थी बेसिकली कुछ एप्लीकेशंस जो हमने शिफ्ट रजिस्टर हम पढ़ रहे थे उनकी एप्लीकेशन से दो एप्लीकेशन हमने डिस्कस की थी एक तो ये था कि सीरियल इन पैरल आउट जो सीरियल डाटा आप कहीं कम्युनिकेट करते हैं तो उसको अल्टीमेटली अपने पैरल फॉर्म में चेंज करना है शुरू में अगर आपको याद हो हमने जब मल्टीप्लेक्सेज डी मल्टीप्लेक्सेस पढ़े थे तो सिंपल किस्म का हमने एक पैरल टू सीरियल और सीरील टू पैरल एक सर्किट बनाया था जब हमने शिफ्ट रजिस्टर्स पढ़े तो हमने कहा कि भाई ये जो है बेहतर तरीका है इंस्टरफ़ यूजिंग मल्टीप्लेक्सेज एंड डी मल्टीप्लेक्सेज सो बहरहाल जो सीरियल इन पैरल आउट जो सर्किट था इट वॉज बेस्ड ऑन ए शिफ्ट रजिस्टर विच सीरियल इन एंड पैरल आउट उसमें बेसिकली हमने क्या किया था कि एक काउंटर लगाया था हमने शुरू में बात की थी कि जो सीरियल डाटा है उसका एक ख़ास फॉर्मेट होता है उसके शुरू में एक स्टार्ट बेट होता है कुछ एट बेट ऑफ इन्फॉर्मेशन होती है उसके बाद दो स्टॉप बेट्स होते हैं तो जो हमारा सर्किट था वो स्टार्ट बेट को डिटेक्ट करता है एक काउंटर चलना शुरू हो जाता है एट टाइम पल्स काउंट करता है हर टाइम पल्स में वो जो शिफ्ट रजिस्टर है सीरियल इन पैरल आउट शिफ्ट रजिस्टर है उसमें वो इन्फॉर्मेशन स्टोर uh, uh, करता जा रहा है जब एट्थ काउंट कंप्लीट हो जाता है जो काउंटर है अपने टर्मिनल काउंट पे पहुंच जाता है जो इन्फॉर्मेशन सीरियल एन पैरल आउट रजिस्टर में है उसको ट्रांसफ़र कर देता है एक और रजिस्टर में सो so बेसिकली ये हमारा सीरियल एन पैरल आउट रजिस्टर था बेसिकली सर्किट था इसके बाद हमने एक दूसरी एप्लीकेशन पे डिस्कशन की थी दूसरी एप्लीकेशन हमारी ये थी कि जो कीबोर्ड इनकोडर है हमने शुरू में एक बड़ी छोटी सी सिंपल सी एग्जांपल डिस्कस की थी जिसमें हमने एक टेन डिजिट की पैड कनेक्ट किया था एक प्रायोरिटी इनकोडर के साथ तो उसमें आप कोई भी एक की प्रेस करें प्रायोरिटी इनकोडर के आउटपुट पे एक यूनिक थ्री बेड कोड आ जाता है या फोर बेड कोड आ जाता है जो रिप्रेजेंट कर रहा है उस डिजिट को हमने लास्ट टाइम ये कहा था कि अगर आप की बोर्ड है आपके पास जिसमें दस से ऑफ़कोर्स ज़्यादा कीज हैं तो उनको सिंपली एक प्रायोरिटी इनकोडर के साथ कनेक्ट करके आप की का नंबर डिटर्मिन नहीं कर सकते सो तो उसमें आपको मजीद सर्किटरी ऐड करनी पड़ेगी तो जो जो इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट्स थे बीच में दो शिफ्ट रजिस्टर्स थे जिनको हमने कैसकेट किया था और उनको हमने कन्फिगर कर दिया था एज ए रिंग काउंटर रिंग काउंटर अगर आपको याद हो बेसिकली एक सीक्वेंस है उसको रिपीट कर रहा होता है सीक्वेंस क्या था सारे जो आउटपुट्स हैं लेट्स से दो फोर बिट आपने जो काउंटर हैं वो कनेक्ट किए थे एक एट बेड रिंग काउंटर बनाया था तो सारे आउटपुट्स वन है एक फॉर वन बिट जो कि ज़ीरो है वो जो ज़ीरो बिट है वो सीक्वेंशली एक, एक रो को सेलेक्ट कर रहा है तो जब भी आप कोई की प्रेस करते हैं कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम भी जीरो हो जाता है तो जो ही कोई की प्रेस होती है तो वो जो उसका कॉरस्पॉन्डिंग रो नंबर है और कॉलम नंबर है वो दो रजिस्टर्स में जाके स्टोर हो रहा है और रजिस्टर्स में कैसे स्टोर है उससे पहले हमने दो प्रायरिटी इनकोड लगाए हुए हैं जो उस की को रो नंबर को और कॉलम नंबर को कन्वर्ट करते हैं और वो इन्फॉर्मेशन हम रजिस्टर में स्टोर कर रहे हैं सो अगेन एक और एप्लीकेशन थी शिफ्ट रजिस्टर्स की इसके बाद हमने डिस्कशन शुरू की थी कि जो हमारा सिकवेंशल सर्किट है उसको हम वैसे तो फ्लिप फ्लॉप्स की मदद से या जो गेट्स की मदद से हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं पी एल डी डिवाइसिस में से कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे पी एल डी डिवाइस में इम्प्लीमेंट करने के लिए सिक्वेंशल सर्किट को हमने ये कहा था कि एंड और और जो अरेज हमने पढ़ी थी वो तो वही स्टैंडर्ड रहेंगी जो ऑलमेक्स सर्किट है जो आउटपुट सर्किट है उसको हमने ज़रा डिस्कस किया था बेसिकली जब आप हमने डिस्कस किया था कॉम्बल सर्किट तो उसमें हमने एक देखा था ऑलमैक में एक डी फ्लॉप है जिसको हमने यूज़ नहीं किया था सिक्वेंशल सर्किट को इम्प्लीमेंट करने के लिए इस डी फ्लिप फ्लॉप को यूज़ करेंगे सो so बेसिकली जो ऑलमैक का आउटपुट है एक मल्टीप्लेक्सर लगा हुआ फोर इनपुट मल्टीप्लेक्सर है जिसका एक आउटपुट है तो दो इनपुट जो हैं वो कॉम्बिनेशनल सर्किट के आ रहे हैं एंड और अरे से और दो जो इनपुट हैं उस मल्टीप्लेक्सर के वो आ रहे हैं डी फ्लिप फ्लॉप से तो एक कॉम्प्लीमेंटेड uh, आउटपुट है और एक नॉन कॉम्प्लीमेंटेड आउटपुट है पी को हम सिक्वेंशल मोड या रजिस्टर्ड मोड में प्रोग्राम कर सकते हैं बाई सेलेक्टिंग और कन्फिगरिंग दी मल्टीप्लेक्सर कि उसमें जो है डी फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट्स हैं वो हमें आगे आउटपुट्स पर मिलें एक और इंपॉर्टेंट चीज़ थी के जो ऑलमैक का फीडबैक पाथ है रजिस्टर्ड मोड में या सिक्वेंशल मोड में आउटपुट पिन से फीडबैक पाथ नहीं मिल रही थी वो जो फ्लिप फ्लॉप था उसका क्यू बार जो आउटपुट था वही फीडबैक में कनेक्टेड था और वो एंड गेट के साथ कनेक्टेड था आइए आज मजीद कंटिन्यू करते हैं इस डिस्कशन को हमने लास्ट लेक्चर में तीन एग्जाम्पल्स देखी थी बड़ी स्टैंडर्ड किस्म की थी हमने एक एग्जाम्पल जो तो देखी थी एक रजिस्टर्ड था जिसके इन्वर्टेड आउटपुट थे एट बिट रजिस्टर्ड विद इन्वर्टेड आउटपुट्स वो हमने इम्प्लीमेंट किया था दूसरा जो सर्किट हमने इम्प्लीमेंट किया था सीरियल इन पैरल आउट रजिस्टर और एक जो तीसरा सर्किट था पैरल इन सीरियल आउट तो ये बड़े स्टैंडर्ड किस्म के हैं और हमने जब शिफ्ट रजिस्टर्स पड़े थे ये तीनों सर्किट्स पढ़े थे आज हम जो इस जिस एग्जाम्पल को देखेंगे वो है बेसिकली फ्री बिट अप काउंटर एंड डाउन काउंटर ये अप काउंटर एंड डाउन काउंटर भी हमने पहले बनाया था यूजिंग जे के फ्लॉप्स अब जैसे कि आपने ऑलमेक में देखा उसमें जे के फ्लॉप नहीं लगा हुआ डी फ्लॉप लगा हुआ उसमें सो so, हमको ये जो थ्री बेट अप काउंटर डाउन काउंटर है इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा बजाय ये कि ये जे के फ्लॉप्स यूज़ करें ये डी फ्लॉप्स यूज़ करें तो हम एक काउंटर बनाते हैं यूजिंग डी फ्लिप फ्लॉप्स अगेन वही जो स्टेट टेबल्स बनाएंगे जैसे इनपुट टेबल्स आएंगे कार्न ऑफ मैप्स बनाएंगे इक्वेजनस आएंगे इंप्लीमेंट कर देंगे उसके बाद हम बेसिकली इसको इम्प्लीमेंट करेंगे यूजिंग द एबल इनपुट फाइल बेसिकली हमने पी में इसको इम्प्लीमेंट करना है तो हम देखेंगे कि कैसे इम्प्लीमेंट होता है सो शुरू में बेसिकली हम बात करेंगे तीन डी फ्लिपशलॉप्स की जे के फ्लिपलॉप्स ये जो सर्किट आपका एवंचुअली बनेगा ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा आ, अगर आप इसको कंपेयर करें जे के बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन पर जे के जो फ्लिपशाप है दो इनपुट्स थे डी फ्लिपशलॉप के एक इनपुट है सो एक्स्ट्रा कॉम्बेंशियल सर्किट आपको नज़र आएगा सो so, आइए देखते हैं पहले इसके जो इनपुट टेबल्स हैं फॉर डी फ्लिपशॉप उसके बाद कान ऑफ़ मैप्स देखते हैं इक्वेशन देखते हैं और सर्किट को देखते हैं डायग्राम में डी फ्लिप फ्लॉप का इनपुट टेबल दिखाया गया वैन द एक्सटर्नल इनपुट एक्स इज इक्वल टू जीरो आपको याद हो जब हमने थ्री बिट अप एंड डाउन काउंटर बनाया था यूजिंग जे के फ्लिप फलॉप्स एक एक्सटर्नल इनपुट हमने इस्तेमाल किया था एक्स जब एक्स जीरो होता है तो जो थ्री बिट काउंटर है वो अप काउंट करता है और जब एक्स वन होता है तो वो डाउन काउंट करता है सो so, जो टेबल नज़र आ रहा है बेसिकली ये है जब एक्स इज इक्ल टू जीरो सो इनिशियल स्टेट्स या प्रेजेंट स्टेट्स दिखाई गई हैं क्यू जीरो क्यू वन क्यू टू जीरो 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 से लेके वन 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 तक है नेक्स्ट स्टेट जो है जब एक्स है जीरो के बराबर सो क्यू ज़ीरो क्यू वन क्यू टू नेक्स्ट स्टेट पे यहाँ इंक्रीमेंट हो रही हैं सो फॉर इनिशियल स्टेट जीरो 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 नेक्स्ट स्टेट इज जीरो वन सिमिलरली आखिरी वाली अगर स्टेट को देखें प्रेजेंट स्टेट है वन 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 एक्स जीरो है तो नेक्स्ट स्टेट जो है इंक्रीमेंट होकर रिसाइकल हो गया जीरो जीरो ज़ीरो पर आ गया अब हम क्योंकि डी फ्लिप फ्लॉप यूज़ कर रहे हैं तो जो डी फ्लिप फ्लॉप का इनपुट टेबल है वो बड़ा सिंपल हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू दी जे के फ्लिपलॉप इनपुट टेबल सो डी फ्लिप फ्लॉप के इनपुट्स जैसे कि दिखाए गए हैं डी जीरो डी वन डी टू रिप्रजेंट कर रहे हैं डी फ्लिप फ्लॉप के इनपुट्स सो ये जो इन्फॉमेसन दिखाई गई है ये इन्फॉर्मेशन जब डी फ्लिप फ्लॉप के इनपुट्स पे अप्लाई करेंगे क्यू जीरो क्यू वन क्यू टू नेक्स्ट स्टेट पर इंफॉर्मेशन आ जाएगी जो कि नेक्स्ट स्टेट कॉलम्स में दी गई है इसी तरह नेक्स्ट टेबल में देखते हैं जब एक्स इज इक्वल टू वन जब x इज ईक्ल टू वन होता है तो जो काउंटर है वो डाउन काउंट करता है सो तो आइए देखते हैं प्रेजेंट स्टेट नेक्स्ट स्टेट और डी फिफ अप इनपुट्स जैसे कि दिखाया गया क्यू जीरो क्यू वन इनिशियल स्टेट जो है ज़ीरो ज़ीरो है जब x वन के बराबर है नेक्स्ट स्टेट जो है वो वन 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 है बेसिकली डाउन काउंट की है अगर सेकेंड रो देखें इनपुट स्टेट अगर जीरो जीरो वन है एक्स इज़ एकल टू वन नेक्स्ट स्टेट जीरो 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 होगी सो डाउन काउंट कर रहा है आखिरी स्टेट देख लें प्रेजेंट स्टेट जब वन 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 है एक्स इक्ल्स टू वन नेक्स्ट स्टेट जो है वन वन जीरो है जिस तरह पहले टेबल में था इधर भी जो डी फिफ के इनपुट्स हैं डी जीरो डी वन डी टू ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं द इनपुट इंफॉर्मेशन जिसकी वजह से जो क्यू टू क्यू वन क्यू जीरो पर नेक्स्ट स्टेट आउटपुट्स आएंगे जब एक्स वन होगा नेक्स्ट स्टेप जो है हमने कार्न ऑफ़ मैप्स बनाने हैं और ये जो डी फ्लॉप इनपुट टेबल में इंफॉर्मेशन है इनको मैप करना है कारन ऑफ़ में और उधर से हमने बुलियन एक्सप्रेशन निकालनी है सो डी टू जो इनपुट है उसकी जो एक्सप्रेशन बन रही है थ्रू कार्न ऑफ़ मैप वो दिखाई गई है क्यू टू बार क्यू वन बार क्यू जीरो बार एक्स प्लस क्यू टू बार क्यू वन क्यू ज़ीरो एक्स बार प्लस क्यू टू क्यू ज़ीरो बार एक्स बार प्लस क्यू टू क्यू वन एक्स प्लस क्यू टू क्यू वन बार क्यू ज़ीरो इस एक्सप्रेशन को अगर आप कंपेयर करें जो एक्सप्रेशन हमने डिराइव की थी J2 और K2 के लिए सो so ये एक्सप्रेशन ज्यादा कॉम्प्लेक्स है इसमें ज्यादा सम टर्म्स हैं आइए देखते हैं एक्सप्रेशन D1 के लिए डी okay, वन की एक्सप्रेशन जो आ रही है Q0 जीरो एक्सक्लूसिव और Q1 वन एक्सक्लूसिव और X। अगेन इस एक्सप्रेशन को कंपेयर करें J1 के एक्सप्रेशन के लिए K1 के एक्सप्रेशन के लिए ये उस एक्सप्रेशन से डिफरेंट है ऑफकोर्स डिफरेंट भी होना चाहिए लास्टली D0 की जो एक्सप्रेशन है इट इज इक्वल टू Q0 bar। बार आइए अब देखते हैं सर्किट डाइग्राम सर्किट डाइग्राम में तीन flip-flops यूज किए हैं और जो कॉम्बिनेशन सर्किट है वो कॉम्प्लेक्स है as compared to a jk बेस्ड 3 बेट अप डाउन काउंटर इस सर्किट में भी जो एक्स इनपुट है वो कंट्रोल कर रहा है अप काउंट करना है या डाउन काउंट करना है एक्स जब जीरो होगा अप काउंट करता है एक्स इज इक्वल टू वन डाउन काउंट करेगा दो और इनपुट्स दिखाए गए हैं एक तो क्लॉक इनपुट है जो कि सारे फ्लिप फ्लॉप्स के क्लॉक इनपुट के साथ कनेक्टेड है और एक क्लियर इनपुट है जो कि इन्वर्टर एक नॉट गेट के थ्रू क्लियर इनपुट के साथ जो क्लियर ए सिंकोनस इनपुट्स हैं उनके साथ कनेक्ट हुआ हुआ है so, सो जो ही आप क्लियर को ज़ीरो करेंगे इन्वर्टर के बाद वन हो जाएगा क्योंकि ए सिंकोनस क्लियर इनपुट्स एक्टिव हाई हैं तीनों फ्लिप फ्लॉप्स क्लियर हो जाएंगे रीसेट हो जाएंगे जीरो 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 पे अभी हमने एक थ्री बिट अप डाउन काउंटर डिज़ाइन किया यूजिंग डी फ्लिप फ्लॉप्स अब देखते हैं कि इसको पी एल डी डिवाइस में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे पी एल डी डिवाइस जैसे कि आपको पता है उसके उसको प्रोग्राम करना पड़ेगा एबल इनपुट फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी जिसमें इस थ्री बिट अप एंड डाउन काउंटर को डिस्क्राइब करना पड़ेगा सो so, डिस्क्राइब करने के लिए अब डिफरेंट सेक्शंस हैं जैसे हमने कॉम्बिनेशन सर्किट uh, के केस में पढ़ा था पेन पहले डिस्क्राइब करनी है पेन्स जो इनपुट पेंस हैं आउटपुट प्रिंट्स हैं कौन सी हैं और कौन सी पेन पे कौन सा वेरिएबल अप्लाई करेंगे सो so बेसिकली तीन इनपुट्स हैं एक्स इनपुट जो एक्सटर्नल इनपुट जो कि कंट्रोल कर रहा है कि जो काउंटर है अप काउंट करेगा या डाउन काउंट करेगा एक क्लॉक इनपुट है जिसकी वजह से जो काउंटर है इंक्रीमेंट होता है या डिक्रीमेंट होता है और एक ए सी क्लियर इनपुट है जिसकी वजह से आप जिसकी मदद से rather, आप काउंटर को रीसेट कर रहे हैं जो आउटपुट्स हैं वो भी तीन आउटपुट्स हैं क्योंकि थ्री बिट काउंटर है सो so, इन छह जो टोटल इनपुट्स एंड आउटपुट्स हैं इनको हमने डिस्क्राइब करना है कि कौन से पेंस पे ये वेरिएबल्स अवेलेबल हैं उसके बाद हमने नेक्स्ट जो स्टेप करना होगा अगेन इक्वेशंस जो हैं वो बतानी होंगी इक्वेशंस कौन सी होंगी बेसिकली जो तीन फ्लिप फ्लॉप्स हैं जो डी ज़ीरो डी वन डी टू इन तीनों के इनपुट्स के लिए एक्सप्रेशन डिफाइन करनी होंगी आखिरी स्टेप जो होगा वही टेस्ट वेक्टर बताना होगा जिसके थ्रू हम इस सर्किट को चेक कर सकते हैं सो so आइए पहले देखते हैं पेन डिस्क्रिप्शन टेबल में पेन डेफिनेशन बताई गई है तीन हमारे पास इनपुट वेरिएबल्स हैं क्लॉक क्लियर एंड एक्स सो so ये बेसिकली अवेलेबल हैं पेन्स वन टू एंड थ्री पे क्यू ज़ीरो क्यू वन क्यू टू जो हैं आउटपुट्स हैं और ये फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट्स हैं बेसिकली सिक्वेंशल सर्किट के आउटपुट्स हैं सो इन आउटपुट्स को डिफाइन करना होगा एज ऑफ टाइप रजिस्टर और बफर सो पेन 21, 22 एंड 23 रिप्रेजेंट कर रहे हैं Q0, Q1, Q2 आउटपुट्स को और ये तीनों जो हैं ऑफ टाइप रजिस्टर बफर हैं नेक्स्ट हमने इक्वेशंस डिफाइन करनी है सो हमारे पास तीन इक्वेशंस बनेंगी एक पहले फ्लिप फ्लॉप के लिए फिर दूसरे फ्लिप फ्लॉप के लिए और तीसरे फ्लिप फ्लॉप के लिए सो जो तीन इक्वेशंस हैं वो हम नेक्स्ट टेबल में देख रहे हैं पहली जो इक्वेजन है Q0 को असाइन किया है हमने Q0 ज़ीरो बार अगर आप बुलिन एक्सप्रेशन जो हमने डिराइव की थी D0 के लिए D1 के लिए D2 के लिए उनको सामने रखें उनसे ये एक्जैक्टली exactly, ये एबल एक्सप्रेशन हम लिख रहे हैं इसी तरह Q1 जो है उसको हमने असाइन किया है Q0 जीरो डॉलर क्यू वन डॉलर

आखिरी जो स्टेटमेंट है क्यू जीरो क्यू वन कॉमा क्यू टू डॉट ए आर इक्वल्स टू एक्सक्रमेशन मार्क एंड क्लियर ए आर रिप्रजेंट कर रहा है ए सिंकोनस री जैसे कि हमने सर्किट में देखा तीनों डी फ्लॉप जो हैं रीसेट हो रहे हैं जब क्लियर सिग्नल अप्लाई होता है सो so, बेसिकली ये लास्ट स्टेटमेंट जो ए सिंकोनस री इनपुट है उसको डिफाइन कर रहा है लास्ट जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है एबल फाइल की वो है टेस्ट वेक्टर। टेस्ट फैक्टर जैसे हमने पहले बताया बेसिकली अपने एक वैक्टर डिफाइन करना है जो कि इस डिवाइस को इस इंप्लीमेंटेशन को टेस्ट करेगा बिफोर कमिटमेंट बिफोर कमिटमेंट का मतलब है कि इससे पहले कि इस सारी डिवाइस इम्प्लीमेंट हो जाए पी में उसको टेस्ट करेगा थ्रू सॉफ्टवेयर अगर प्रॉपर आंसर्स आ गए उसके बाद पी में ये डिवाइस इम्प्लीमेंट होगी सो जो टेस्ट फैक्टर दिखाया गया इसमें तीन इनपुट्स हैं क्लॉक क्लियर एंड एक्स और आउटपुट्स जो दिखाए गए क्यू टू क्यू वन एंड क्यू जीरो पहली रो में अगर देखा जाए क्लॉक के नीचे सी लिखा हुआ है क्लियर के नीचे जीरो लिखा हुआ है और एक्स के नीचे एक्स लिखा हुआ है सी मीन्स क्लॉक ट्रांजिशन, हर क्लॉक पल्स पे ये काम करेगा एक्स के नीचे कैपिटल एक्स जो एक्सटर्नल इनपुट है उसके नीचे स्मॉल एक्स लिखा हुआ है स्मॉल एक्स मीन्स डोंट केयर सो so, क्लियर के नीचे क्योंकि जीरो लिखा हुआ है दैट मीन्स जो थ्री बेट काउंटर है उसको रीसेट हो जाना चाहिए x पे जो एक्सटर्नल इनपुट है उस पर ज़ीरो हो वन हो इट डजेंट मैटर देयर फोर उसको हमने डोंट केयर कंसिडर किया सेकेंड रो में अगर चले जाएँ क्लॉक का नेक्स्ट जो ट्रांजेक्शन है क्लॉक ट्रांजेक्शन पे क्लियर अगर वन है और जो एक्सटर्नल इनपुट जो है वो ज़ीरो है तो बेसिकली इसको इंक्रीमेंट करना चाहिए सो so, Q2, Q1, Q0 के आउटपुट पे जीरो ज़ीरो वन दिखाया हुआ है बेसिकली इंक्रीमेंट कर रहा है सो नेक्स्ट एट जो इनपुट्स हैं जिसमें क्लियर वन रखा हुआ है और एक्स इनपुट को ज़ीरो रखा हुआ है बेसिकली ये सारी एट स्टेट्स जो हैं उसको चेक कर रहा है जब काउंटर इंक्रीमेंट कर रहा होता है इसी तरह आखिरी जो आठ स्टेट्स हैं उसमें क्लियर को वन रखा हुआ है जो एक्स इनपुट है उसको वन रखा हुआ जो है जो आउटपुट्स हैं वो डाउन काउंट सीक्वेंस शो कर रहे हैं सो so, पहला जो सीक्वेंस है वन 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 या पहला जो आउटपुट है वन 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 है नेक्स्ट क्लॉक पल्स पे वन वन जीरो हो जाएगा और इसी तरह ये डाउन काउंट करते करते ज़ीरो जीरो जीरो पर पहुँच जाएगा अभी हमने देखी एबल इनपुट फाइल फॉर द थ्री बिट अप एंड डाउन काउंटर इसमें कोई नई चीज़ नहीं थी पहले हमने वही पेन डेक्लोरेशन की उसके बाद हमने इक्वेजन डिफाइन की उसके बाद हमने टेस्ट वेक्टर डिफाइन किया अगर आपको याद हो हमने शुरू में बात की थी कि सिक्वेंशियल सर्किट्स जब आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो जो डेफिनेशन है उसको कि वो सिक्वेंशल सर्किट क्या काम कर रहा है डिफरेंट तरीक़े हैं उसको डिफ़ाइन करने के एबल फाइल में तो एक तो तरीका स्टैंडर्ड तरीका जो हम इस्तेमाल करते आ रहे हैं कॉम्बिनेशन सर्किट्स में और अभी जो पिछली तीन एग्जांपल्स की थी उनमें भी हमने इक्वेशंस के फॉर्म में डिफ़ाइन किया था सिक्वेंशल सर्किट दो जो मजीद और तरीक़े हैं टूथ टेबल से भी आप डिफ़ाइन कर सकते हैं और एक जो है आखिरी वाला स्टेट डायग्राम से भी डिफ़ाइन कर सकते हैं सो so बेसिकली अब हमने देखना है कि टूथ टेबल से कैसे डिफाइन करेंगे और स्टेट डायग्राम से कैसे डिफाइन करेंगे ट्रूथ टेबल बेसिकली उसमें आपने जितने भी इनपुट्स हैं वो लिखेंगे और जो जितने भी आउटपुट्स हैं उस सिक्वेंशल सर्किट के उसको लिखेंगे और जितनी भी इनपुट कॉम्बिनेशन हैं वो आप साथ में लिख देंगे और कॉरस्पॉन्डिंग जो आउटपुट्स हैं वो आप लिख देंगे तो ये बेसिकली ट्रूथ टेबल से आपने कम्प्लीटली सिक्वेंशल सर्किट को डिफ़ाइन कर दिया ये हम थोड़ी देर में देखते हैं इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के लिए जो थ्री बेट हमने एंड डाउन काउंटर बनाया उसका ट्रूथ टेबल क्या होगा सेकेंड जो तरीका है रहता थर्ड जो तरीका है स्टेट डायग्राम स्टेट डायग्राम से जैसे हमने स्टेट डायग्राम बनाया था पहले एग्जांपल्स में वो सर्कल्स थे जो स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक डायरेक्टेड एरो थी जो कि दूसरे स्टेट को कनेक्ट कर रही थी उधर आप कंडीशंस भी स्पेसिफाई कर सकते हैं अगर आपको थ्री बेट अप एंड डाउन काउंटर का स्टेट डायग्राम याद हो हमारे पास एट स्टेट्स थी एरोज आपस में कनेक्ट कर रही थी फॉरवर्ड डायरेक्शन में और रिवर्स डायरेक्शन में एक के साथ हमने एक्स इज एक टू जीरो लिखा हुआ था दूसरे के साथ हमने एक्स इक्ल टू वन लिखा हुआ था सो so, इसी किस्म के डायग्राम को हम इक्वेशंस की फॉर्म में या स्टेटमेंट्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे हम जिसको कहेंगे ये स्टेट डाइग्राम रिप्रजेंट करें सो so, पहले तो हम देखते हैं ट्रुथ टेबल को उसके बाद हम स्टेट डायग्राम पे डिस्कशन करते हैं टेबल जो दिखाया गया इसमें है इसमें ट्रूथ टेबल डेफिनेशन है फॉर दी थ्री बेट अप एंड डाउन काउंटर सबसे ऊपर हमने जो पांच इनपुट्स हैं क्लियर इनपुट एक्स इनपुट क्यू टू क्यू वन एंड क्यू जीरो इनपुट बेसिकली जो सिक्वेंशल सर्किट है इसका जो आउटपुट है नेक्स्ट स्टेट जो है वो डिटर्मिन होगी एक्सटर्नल इनपुट्स और प्रेजेंट स्टेट सो प्रेजेंट स्टेट जो है वो डिफाइन हो रही है क्यू टू क्यू वन क्यू जीरो स्टेट वेरिएबल्स से आउटपुट पे जैसा कि नज़र आ रहा है क्यू टू क्यू वन क्यू जीरो नेक्स्ट स्टेट वेरिएबल्स रिप्रेजेंटेड हैं या डिफाइन कर रहे हैं नेक्स्ट स्टेट को सो so, पहली रो में क्लियर जब जीरो है सो एक्स डोंट केयर है जो मर्जी हो ज़ीरो हो वन हो इट डजेंट मैटर Q2, Q1, Q0 जो प्रेजेंट स्टेट है वो जो मर्जी हो इट डजेंट मैटर आउटपुट जो है नेक्स्ट स्टेट जो है वो जीरो ज़ीरो जीरो ही होगा क्योंकि क्लियर जो है ए सिंकोनस इनपुट जो है वो जीरो पे है इसके बाद जो जितने भी आगे इंफॉर्मेशन दिए हुई उसमें क्लियर को हमने वन कर दिया सो so, नॉर्मली आप काउंटर ऑपरेट करेगा सो so, जो सेकेंड रो है जब क्लियर वन हो गया एक्स इज़ ज़ीरो क्यू टू इज ज़ीरो क्यू वन इज़ ज़ीरो क्यों ज़ीरो इज़ जीरो सो बेसिकली इसको अप काउंट करना चाहिए क्योंकि जो एक्सटर्नल इनपुट है एक्स वो ज़ीरो पे सेट किया हुआ है जो प्रेजेंट स्टेट है वो जीरो 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 है सो आउटपुट पे ज़ीरो जीरो वन दिखाया गया है इसी तरह अगली जो स्टेटमेंट है उसमें क्लियर वन है जो इनिशियल स्टेट है वो ज़ीरो जीरो वन है एक्स इज़ ऑफ कोर्स जीरो आउटपुट जो है वो इंक्रीमेंट हो गया जीरो वन जीरो पे इसमें एक टेबल में जो असाइनमेंट स्टेटमेंट है बेसिकली कॉलन और ग्रेटर देन साइन है इसी तरह मजीद आप देखते जाएं आखिरी जो आठ स्टेटमेंट्स हैं उसमें एक्स को वन कर दिया हुआ है बेसिकली ये रिप्रेजेंट कर रहा है जब काउंटर डाउन काउंट करता है सो अगेन क्लियर इज़ वन एक्स इज़ वन इनिशियल जो काउंट है वो जीरो ज़ीरो जीरो है प्रेजेंट स्टेट जो है सो नेक्स्ट स्टेट जो होगी वो वन 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 होगी बेसिकली डाउन काउंट कर रहा है इसी तरह उसके बाद वाली स्टेटमेंट को अगर देखें प्रेजेंट इनपुट जो है वो वन 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 है आउटपुट जो है वो वन वन, वन ज़ीरो होगी सो so बेसिकली ये जो टू टेबल है कम्प्लीटली इस थ्री बेट अप एंड डाउन काउंटर को रिप्रजेंट कर रहा है मज़दीद इक्वेशंस लिखने की जरूरत नहीं है हाँ अलबा दो इक्वेशन हमें लिखनी पड़ेंगी एक तो वही डॉट क्लॉक वाली इक्वेशन जो रिप्रेजेंट कर रही है या डिफाइन कर रही है कि ये जो फ्लिप फ्लॉप्स हैं ये क्लॉक्ड फ्लिप फलॉप्स हैं और दूसरी हमने स्टेटमेंट जो है इक्वेशन डेफिनेशन में लिखनी पड़ेगी डॉट ए आर इक्वल्स टू जो क्लियर वाला था दैट मीन्स जो ए सोनस रीसेट इनपुट है वो एक्टिवेट होगा बाई अप्लाइंग द क्लियर वेरिएबल अभी हमने देखा कि टू टेबल कैसे रिप्रेजेंट करेंगे टू डिफाइन थ्री बेट अप एंड डाउन काउंटर एबल इनपुट फाइल में ऑफकोर्स तीसरा जो तरीका है बेसिकली स्टेट डायग्राम्स के थ्रू हम डिफाइन कर सकते हैं एक सिक्वेंशल सर्किट को सो इस थ्री बेट अप एंड डाउन काउंटर को स्टेट डायग्राम्स से कैसे डिफाइन करेंगे बेसिकली स्टेट डायग्राम से डिफाइन करने से पहले हमने वो स्टेट्स जो हैं वो डिफ़ाइन करनी होंगी सो so, बेसिकली इसकी आठ स्टेट्स हैं तो उनको हम नाम दे देते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच तक आठ स्टेट्स हो जाएंगी सो so, ए जो स्टेट होगी उसको हम कहेंगे जीरो 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 है बी स्टेट जो है ज़ीरो जीरो वन है एंड सो वन जो एच स्टेट होगी वो वन 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 होगी जब आप एक स्टेट डिफाइन कर लेते हैं ये ऑफकोर्स इनप एबल इनपुट फाइल में डिफ़ाइन करनी होगी उसके बाद अगेन आप स्टेट ऑफ सेट ऑफ़ स्टेटमेंट्स लिखेंगे जो कि स्टेट डायग्राम को रिप्रेजेंट करेंगे सो बेसिकली स्टेटमेंट किस किस्म की होगी देखें अगर आप स्टेट ए पे हैं और एक्स आपका ज़ीरो है तो बेसिकली आप अप काउंट कर रहे हैं आपको बी पे चला जाना चाहिए अगर एक्स आपका वन है तो आपको डाउन काउंट करना चाहिए एच पे चला जाना चाहिए तो स्टेटमेंट कुछ इस किस्म की होगी कि फॉर स्टेट ए इफ एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो देन गो टू बेसिकली स्टेट बी इफ इट इज़ वन देन गो टू एच ठीक है ये तो मैंने बड़ा लंबा सारा फिक्रा बोला जो स्टेटमेंट है एक्चुअल एबल की वो सिंपल होगी इफ़ देन एल्स की फॉर्म में होगा ओके okay, एक तो ये इफ देन एल्स स्टेटमेंट आएगी स्टेट डायग्राम में अगर लट सपोज इस केस में जो थ्री बिट अप एंड डाउन काउंटर है इसमें तो एक एक्सटर्नल इनपुट है जिस जो एक कंडीशन को डिफाइन कर रहा है सो उस कंडीशन को हमने चेक किया है वी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट अगर हम एक थ्री बिट सिंपल काउंटर बनाते हैं अप काउंटर लेट से तो उसमें कोई एक्सटर्नल इनपुट की जरूरत नहीं है तो उसमें भी आठ स्टेट्स होती हैं ए स्टेट होती बी सी डी एच तक सो ए स्टेट जब भी क्लॉक पल्स आता ऑटोमेटिकली बी पे चेंज हो जाती या स्विच कर जाती इसी तरह अगर बी पे होता जो काउंटर है जो ही क्लॉक पल्स आई सी पे स्विच कर जाएगा तो उसमें आपको इफ़ देन एल्स स्टेटमेंट यूज़ करने की जरूरत नहीं है उधर सिंपली एक गो टू स्टेटमेंट होगी सो स्टेट ए गो टू बी स्टेट बी गो टू स्टेट सी बेसिकली कब गो टू करेगा जब क्लॉक टॉस आएगी सो so आइए देखते हैं इस स्टेट डायग्राम की पहले डेफिनेशन को कैसे डिफाइन कर रहे हैं थ्री बेट अप एंड डाउन काउंटर के लिए और फिर हम स्टेटमेंट्स लिखेंगे जो कि रिप्रेजेंट कर रही होंगी स्टेट डायग्राम को टेबल में स्टेट डिफाइंस की गई हैं थ्री बेट अप एंड डाउन काउंटर के लिए जैसे कि हमने बताया इसकी आठ स्टेट्स हैं सो आठ स्टेट्स को रिप्रेजेंट किया है उनको कोई भी नाम दे दें ए बी सी डी ई एफ जी एच ए जो है बेसिकली जीरो ज़ीरो ज़ीरो है बी जो है ज़ीरो ज़ीरो वन है एंड सिमिलरली एच जो है वो वन 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 है क्यू स्टेट जो है ये कोई सा भी नाम हो सकता है इधर हमने क्यू स्टेट वेरिएबल डिफ़ाइन कर दिया है जो कि आठ स्टेट्स को डिफ़ाइन करता है क्यू टू क्यू कोई से भी नाम हो सकते थे ये बेसिकली स्टेट वेरिएबल्स हैं इस नेक्स्ट टेबल में हमने स्टेट डायग्राम डिफाइन किया हुआ है बाय राइटिंग स्टेटमेंट्स सो हमारे पास आठ स्टेट्स हैं आठ स्टेट्स के लिए हमने नेक्स्ट स्टेट बताना है कि कैसे स्विच होगी सो स्टेट ए में अगर हैं तो इफ़ एक्स देन एच एल्स बी सो इसका मतलब है इफ़ एक्स इज वन तो फिर क्या होना चाहिए डिक्रीमेंट होना चाहिए अगर डिक्रीमेंट हो रहा है तो बेसिकली हम स्विच कर जाएंगे स्ट्रेट एच पे सो इफ एक्स देन एच अगर एक्स जीरो है फॉल्स है तो फिर क्या होना चाहिए इंक्रीमेंट होना चाहिए इंक्रीमेंट करने के लिए स्टेट बी है बेसिकली सो इफ एक्स विच इज़ वन देन एच अगर ज़ीरो है एल्स बी इसी तरह स्टेट बी के लिए हमने ये बताना है कि अगर एक्स वन हो तो हमने डिक्रीमेंट करना है स्टेट ए पे स्विच कर देना है अगर x जो है एक्सटर्नल इनपुट जो है वो जीरो हो तो हमने इंक्रीमेंट करना है स्टेट C पे स्विच कर जाना है सो so, स्टेटमेंट जो है इफ x देन a एल्स c इसी तरह स्टेट C के लिए D के लिए E F G एंड H के लिए इसी किस्म की इफ़ देन एल्स की स्टेटमेंट्स लिखनी है आखिरी वाली स्टेट एच को अगर देख लें इफ़ एक्स देन जी बेसिकली एक्स अगर वन है तो जी पे जाना है डिक्रीमेंट कर रहे अगर एक्स ज़ीरो है एल्स ए पे सो so, ये रिसाइकिल होकर वापस स्टेट ए पे पहुंच जाएगा अगर हमारे पास एक सिंपल काउंटर होता थ्री बेट अप काउंटर होता जिसमें कोई एक्सटर्नल इनपुट नहीं कोई एक्सटर्नल एक्स इनपुट नहीं है सो उसमें अगेन आठ स्टेट्स होनी थी स्टेट ए बी सी डी ई एफ जी एच उनकी डेफिनेशन भी जो पहले हमने की उसी तरह की होगी स्टेट ए जो है जीरो 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 है स्टेट बी जो है ज़ीरो जीरो वन है एंड सो ऑन इसमें जो स्टेट डायग्राम है वो काफ़ी सिम्प्लीफाई हो जाएगा इंस्टेड ऑफ़ यूजिंग इफ देन एल स्टेटमेंट्स हम सिंपल गो टू स्टेटमेंट्स यूज कर रहे हैं सो so, अगर हम स्टेट ए पे हैं क्लॉक ट्रांजिशन पे हमें स्विच कर जाना चाहिए स्टेट बी पे तो सिंपली गो टू बी स्टेटमेंट लिखी हुई है कोई इफ देन एल्थ स्टेटमेंट नहीं है इसी तरह अगर हम स्टेट बी पे हैं क्लॉक ट्रांजिशन पे गो टू सी हो जाना चाहिए स्टेट सी पे गो टू डी लिखा हुआ so है एंड सो ऑन आखिरी जो स्टेट है स्टेट एच गो टू ए लिखा हुआ है जो ही क्लॉक ट्रांजेक्शन हुआ एच से आप स्टेट ए पे शिफ्ट कर रहे हैं या स्विच कर रहे हैं अभी हमने देखा कि एक थ्री बेट अप एंड डाउन काउंटर जो है उसको एबल इनपुट फाइल में स्टेट डायग्राम के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बेसिकली दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं पहले तो आपने स्टेट्स डिफाइन करनी है जो भी आपका सिक्वेंशल सर्किट है उसके डिफरेंट स्टेट्स होंगी तो वो आपने डिफ़ाइन करनी है उनको कोई नाम दे देना है उसमें और वही जो नेम्स हैं वही जो वेरिएबल्स हैं वो आप यूज़ करेंगे नेक्स्ट स्टेप जो है बेसिकली आपने स्टेटमेंट्स लिखनी है हर प्रेजेंट स्टेट के लिए उसकी नेक्स्ट डेट क्या होगी अगर आपका कोई एक्सटर्नल इनपुट है कंडीशनल इनपुट है जिसकी वजह से आप प्रेजेंट स्टेट से या एक एक स्टेट में मूव कर सकते हैं या किसी और स्टेट में मूव कर सकते हैं तो आपने इफ़ देन एल्स स्टेटमेंट यूज़ करनी है अगर आपका कोई सिक्वेंसल सर्किट ऐसा है जिसका कोई एक्सटर्नल इनपुट नहीं है तो जू ही क्लॉक पल्स आई तो प्रेजेंट स्टेट जो है ऑटोमेटिकली नेक्स्ट स्टेट पर स्विच हो जाएगा उधर आपने गो टू स्टेटमेंट यूज़ करना है जैसा कि हमने थ्री बेट अप एंड डाउन काउंटर बनाया है एक्स इनपुट था जिसकी वजह से हम आइर अप काउंट करेंगे या डाउन काउंट करेंगे तो उधर इफ़ देन एल्स स्टेटमेंट आ रहा था अगर सिंपल अप काउंटर हो या डाउन काउंटर हो तो उधर आप गो टू स्टेटमेंट्स यूज़ करेंगे अब नेक्स्ट जो एग्ज़ाम्पल एक हम देखेंगे वो है एक एलिवेटर कंट्रोलर की अभी तक जितने भी एग्जाम्पल्स की हैं हमने बड़ी स्टैंडर्ड किस्म की हैं हमने काउंटर बनाया और शिफ्ट रजिस्टर बनाया उसमें एलिवेटर कंट्रोलर बेसिकली है क्या बिल्डिंग्स में आप क्या होंगे एलिवेटर्स लगे होते हैं जिस एलिवेटर्स uh, जो है अप एंड डाउन मूव करते हैं सो बेसिकली थ्योरी क्या है कैसे काम करता है एलिवेटर का अगर आपने ऑब्जर्व किया हो हर फ्लोर पे एक बटन लगा होता है जो आप प्रेस करते हैं तो एलिवेटर उस फ्लोर पे आ जाता है दरवाज़ा खुलते हैं आप एंटर होते हैं और जिस फ्लोर पे जाना है उसका आप बटन प्रेस कर देते हैं फर्स्ट फ्लोर पे जाना है सेकंड फ्लोर फ्लोर पे थर्ड फ्लोर पे जो भी है आपने बटन प्रेस किया जो लिफ्ट है या जो एलिवेटर है उस फ्लोर पे चला जाता है और उधर फिर पहुंच के ऑफ कोर्स स्टॉप होगा दरवाज़े खोलेंगे और आप बाहर आ जाएंगे उसमें सो बेसिकली एलिवेटर कंट्रोलर जो है एक सीक्वेंशियल सर्किट की फॉर्म में हम इम्प्लीमेंट करेंगे जिसके डिफरेंट स्टेट्स होंगे इस सीक्वेंशियल सर्किट्स के ऑफ कोर्स डिफरेंट इनपुट्स होंगे जिससे हम एलिवेटर uh, को कंट्रोल करेंगे वो एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे जाएगा या दूसरे फ्लोर से पहले फ्लोर पे आएगा इस एलिवेटर के या इस सिक्वेंटल सर्किट के कुछ आउटपुट्स होंगे जिससे हम जो दरवाज़ा है डोर जो है उसको ओपन या क्लोज करेंगे उसको मूव uh, करेंगे या वेट करवाएंगे जो एलिवेटर है या उसकी डायरेक्शन डिटरमिन करेंगे कि ऊपर मूव कर रहे हैं या नीचे मूव कर रहे हैं सो so, जो एग्जाम्पल हम कंसिडर कर रहे हैं बेसिकली ये बुक में दी हुई है ये एलिवेटर जो है दो फ्लोर्स के दरमियान मूव करता है सो यू हैव ए फर्स्ट फ्लोर एंड सेकेंड फ्लोर तो दो फ्लोर्स हैं बटन्स कितने हैं हमारे पास इनपुट बटनस कितने हैं जो कि आप एज ए यूज़र उसको प्रेस कर सकते हैं बेसिकली हर फ्लोर में बाहर जो है एलिवेटर के दो बटन्स लगे हुए हैं एक रिक्वेस्ट वन है तो लेट्स से आप फ्लोर वन पे हैं आपने सेकंड फ्लोर पे जाना है तो आप बटन प्रेस करेंगे जिसको हम रिक्वेस्ट वन कह रहे हैं ये लेफ्ट के बाहर लगा हुआ है इसी तरह सेकंड फ्लोर को अगर आप देखें उधर भी एक बटन लगा हुआ है कोई आदमी है जो नीचे फर्स्ट फ्लोर पर जाना चाह रहा है तो लिफ्ट को रिक्वेस्ट करना पड़ेगा बटन प्रेस करेगा जिसको हम कहेंगे रिक्वेस्ट टू इनपुट सो एक रिक्वेस्ट वन इनपुट रिक्वेस्ट टू इनपुट ये दोनों फ्लोर्स पे बटन लगे हुए हैं लेट्स सपोज सपोज के लिफ्ट पहले फ़्लोर पे आ गई दरवाजे खुले आप एंटर हो गए अब आप सेकंड फ्लोर पे जाना चाह रहे हैं तो आप क्या करेंगे लिफ्ट के अंदर एक बटन लगा हुआ है फ्लोर टू के नाम से उसको आप प्रेस करेंगे लिफ्ट जो है फ्लोर टू पे चली जाएगी इसी तरह लेट अस सपोज के फ्लोर टू पे लिफ्ट खड़ी है उसमें आप गए आप फ्लोर वन पे जाना चाह रहे हैं तो आप क्या करेंगे फ्लोर वन का बटन दबाएंगे तो फर्स्ट फ्लोर पे आ जाएगी सो so अगेन ये दो इनपुट्स हैं फ्लोर वन और फ्लोर टू के बटनस ये लिफ्ट के अंदर लगे हुए हैं जब आप फ्लोर वन पर पहुँच गए या फ्लोर टू पर पहुँच गए दरवाज़ा जो है लिफ्ट का ऑटोमेटिकली कुछ टाइम के बाद बंद हो जाएगा लेट इज सपोज़ आप खोलना चाह रहे हैं या आप ज़्यादा देर के लिए खुला रखना चाह रहे हैं तो फिर क्या करेंगे लिफ्ट के अंदर एक बटन लगा हुआ है जिसको हम कहेंगे ओपन बटन सो so जो ही आपने ओपन बटन प्रेस किया लिफ्ट के दरवाजे खुल जाएंगे सो so बेसिकली ये पांच इनपुट्स हो गए रिक्वेस्ट वन रिक्वेस्ट टू जो कि लिफ्ट के बाहर हैं फ्लोर वन फ्लोर टू और ओपन जो कि लिफ्ट के अंदर लगे हुए हैं अब जब लिफ्ट मूव करती है एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर तक कैसे पता लगता है कि दूसरे फ्लोर तक पहुंच गई है और इसको रुक जाना चाहिए बेसिकली हर फ्लोर पे एक सेंसर लगा होता है जिसका आउटपुट बताएगा कि लिफ्ट उस फ्लोर तक पहुंची है कि नहीं उस सेंसर को हम एज एन इनपुट सिग्नल कंसिडर कर रहे हैं जो कि हम सिक्वेंशल सर्किट को देंगे इस सिग्नल को हम अराइव सिग्नल कहते हैं सो लेट अस सपोज़ कि आपके लिफ्ट जो है या एलिवेटर जो है फ़र्स्ट फ्लोर पे है आप बटन प्रेस करते हैं दूसरे फ्लोर पे जाने के लिए जो ही दूसरे फ्लोर तक पहुँच जाती सेंसर जब डिटेक्ट करेगा कि लेफ़्ट या एलिवेटर उस फ्लोर तक पहुंच गई है अराइव सिग्नल एक्टिवेट हो जाएगा इसी तरह अगर सेकंड फ्लोर पे लेफ्ट है फर्स्ट फ्लोर पे आना है जो ही लेफ्ट सेकंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे आएगी राइव सिग्नल एक्टिवेट हो जाएगा अब वो बता देगा कि लेफ्ट पहुंच गई है फर्स्ट फ्लोर पर सो ये एक राइव जो है ये एक छठा इनपुट सिग्नल है लेफ्ट की जो मूवमेंट है कितनी स्पीड के साथ अप जाएगी कितनी स्पीड के साथ डाउन जाएगी या दरवाजे जो हैं कितनी देर के लिए खुले रहेंगे और कितनी देर के बाद बंद हो जाएंगे ये कैसे डिटर्मिन करेंगे बेसिकली आपको एक टाइम चाहिए टाइम कैसे प्रोवाइड करेंगे एक क्लॉक सिग्नल के थ्रू सो so, एक क्लॉक सिग्नल जो है एक और इनपुट सिग्नल होगा अब ये बात करते हैं आउटपुट सिग्नल्स की लिफ्ट जो है वो तीन चीज़ें कंट्रोल करें या जो सीक्वेंशियल सर्किट है जो लिफ्ट को कंट्रोल करता है उसके तीन आउटपुट्स हैं एक जो है दरवाज़े अपने बंद कर लें या खोल लें जब लिफ्ट स्टेशनरी है तो दरवाजे यूजुअली खुले होंगे या बंद भी हो सकते हैं जब वो मूव कर रही है तो दरवाजे डेफिनेटली बंद होंगे दूसरा जो आउटपुट है वो बेसिकली बता रहा है कि मोशन लिफ्ट वेटिंग है या मूव कर रही है सो so बेसिकली अगर आप फ्लोर वन पे लिफ्ट खड़ी है दरवाजे खुले हैं तो जो मोशन आउटपुट है वो इनएक्टिव uh, होगा अगर लिफ्ट मूव कर रही है फ्लोर वन एंड टू के दरमियान तो जो आउटपुट है वो एक्टिव होगा तीसरा जो आउटपुट है वो बेसिकली डायरेक्शन को बता रहा है लिफ्ट जो है पहले फ्लोर से दूसरे पे जा रही है या दूसरे से पहले पे आ रही है सो अप डायरेक्शन या डाउन डायरेक्शन तो ये तीन आउटपुट्स हैं जो सीक्वेंशियल सर्किट है इसको हम कंट्रोल कैसे करेंगे थ्रू ए स्टेट मशीन बेसिकली सीक्वेंशियल सर्किट जैसे हमने पहले डिस्कस किया था इट इज़ ए स्टेट मशीन तो इसके डिफरेंट स्टेट्स होंगी हर क्लॉक पल्स पे जो एक्सटर्नल इनपुट्स पे हम एक स्टेट से किसी दूसरे स्टेट पे स्विच कर जाएंगे हर स्टेट का एक यूनिक आउटपुट होगा सो अस सपोज के पहले फ्लोर पे जो एलिवेटर है वो वेट कर रहा है उसके दरवाजे खुले हुए हैं सो बेसिकली उसकी जो डायरेक्शन है वो होगी आप उसको हम लत से ज़ीरो से रिप्रेजेंट करें मोशन uh, जो है क्योंकि स्टेशनरी है मूव नहीं कर रहा so, again, है सो अगेन अगर स्टेशनरी है तो हम कहेंगे ज़ीरो है अगर मूव कर रहा होता तो वन कहेंगे सो so, दूसरी बेड भी ज़ीरो होगी और जो डायरेक्शन है बेसिकली या बेसिकली डोर जो हैं uh, वो क्योंकि ओपन है ओपन को हम रिप्रेजेंट करेंगे जीरो के साथ सो so, तीन बेट्स हैं तीन आउटपुट्स हैं सो so, डोर जो है जीरो से रिप्रेजेंट हो रहा है ओपन है मोशन जो है इट इज़ स्टेशनरी अगेन जीरो से रिप्रेजेंट हो रहा है और जो डायरेक्शन है क्योंकि इसने अप मूव करना है सो so हम जीरो से रिप्रेजेंट कर रहे हैं सो so, इस स्टेट का जो आउटपुट है वो जीरो ज़ीरो ज़ीरो होगा नेक्स्ट स्टेट जो है वो अगेन किसी और आउटपुट से रिप्रेजेंट होगी लत्थ से दरवाजे अगर बंद हो गए पर वो लिफ्ट अभी स्टेशनरी है उसने ऊपर ही जाना है तो जो स्टेट आउटपुट है वो चेंज हो जाएगा डोर्स क्लोज हो गए वन जो मोशन है इट इज़ स्टिल ज़ीरो और जो डायरेक्शन है इट इज़ स्टिल ज़ीरो सो नेक्स्ट स्टेट जो होगी वो वन जीरो ज़ीरो होगा इसी तरह नेक्स्ट स्टेट होगी और अगली और डिफरेंट टाइप की डिफरेंट नंबर ऑफ स्टेट्स होंगी सेकेंड फ्लोर पे जब लिफ्ट पहुंचेगी अगेन उसी किस्म की स्टेट्स होंगी जिसकी मदद से हम वापस फ्लोर वन पे आ रहे हैं आइए देखते हैं स्टेट डायग्राम को जो कि इस कंट्रोल इस सीक्वेंशल सर्किट को जो एलिवेटर का सिक्वेंशल सर्किट है इसको कंट्रोल करेगा डायग्राम में एलिवेटर कंट्रोलर सर्किट जो कि एक सिक्वेंशल सर्किट है उसका एक स्टेट डायग्राम दिखाया गया इसकी छः स्टेट्स हैं पहली जो स्टेट है या इनिशियल जो स्टेट है इट इज़ डब्ल्यू वन जो कि वेट वन है दूसरी जो स्टेट है इट इज़ क्लोज वन सी वन से रिप्रेजेंट किया गया तीसरी जो स्टेट है इट इज़ अप यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं चौथी स्टेट जो है वेट टू है डब्ल्यू टू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं पाँचवीं स्टेट जो है क्लोज टू सी टू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और छठी जो स्टेट है इट इज़ डाउन डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं पहली जो स्टेट है डब्ल्यू वन वेट वन बेसिकली एलिवेटर जो है फर्स्ट फ्लोर पे वेट कर रहा है डब्ल्यू वन के नीचे तीन डिजिट्स लिखे हुए हैं जीरो 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 पहला जो लेफ़्ट मोस्ट डिजिट है वो जीरो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है डोर आउटपुट को डोर अगर ओपन है ये आउटपुट जीरो होगा सेकेंड जो डिजिट है वो भी जीरो है ये डिफाइन कर रहा है मोशन आउटपुट को अगर लिफ्ट या एलिवेटर जो है स्टेशनरी है ये आउटपुट जीरो होगा अगर वो मूव कर रही है तो आउटपुट वन होगा सो so, तीसरा जो राइट मोस्ट नंबर है जीरो जो है ये डिफाइन कर रहा है डायरेक्शन को लिफ्ट क्योंकि सेकेंड फ्लोर पे जाएगी सो सेकेंड फ्लोर के लिए जाने के लिए हम कहेंगे कि अप डायरेक्शन होगी सो अप डायरेक्शन को हम जीरो से डिफाइन कर रहे हैं अब आइए देखते हैं सेकेंड स्टेट को जो कि क्लोज़ वन स्टेट है उसके नीचे वन ज़ीरो ज़ीरो लिखा गया सो वन ज़ीरो ज़ीरो से हमें ये मालूम हो रहा है कि जो डोर है वो क्लोज़ हो गया क्योंकि लेफ़्ट मोस्ट डिजिट जो है या नंबर जो है वो वन है नेक्स्ट टू नंबर जो हैं वो ज़ीरो ज़ीरो हैं सो मोशन इज़ इज़ीरो एंड डायरेक्शन इज़ दैट मीन्स अभी भी स्टेशनरी है और इसने ऊपर जाना है अब हम ज़रा कंसिडर करते हैं कि W1 से C1 पे कैसे हम जा रहे हैं जो कनेक्टेड लाइन है जो कि W1 स्टेट को C1 के साथ कनेक्ट कर रही है उधर हमने लिखा हुआ है रिक्वेस्ट टू बार डॉट फ्लोर टू बार हमने दो इनपुट्स की बात की थी रिक्वेस्ट बटन रिक्वेस्ट टू बटन जो कि सेकंड फ्लोर पे लगा हुआ है और फ्लोर टू बटन जो कि लिफ्ट के अंदर लगा हुआ है जब आप फ्लोर वन से फ्लोर टू पर जाना चाहें तो फ्लोर टू को प्रेस करेंगे ये एक्टिव हो जाएगा लॉजिक वन हो जाएगा अगर आपने प्रेस नहीं किया तो ये ज़ीरो रहेगा सो so बेसिकली जो एक्सप्रेशन है रिक्वेस्ट टू बार डॉट फ्लोर टू बार ये बता रही है कि अगर रिक्वेस्ट टू बी प्रेस नहीं किया गया और फ्लोर टू बटन को भी प्रेस नहीं किया गया सो so कुछ देर के बाद आप स्टेट जो है चेंज कर लेंगे जो सिक्वेंशल सर्किट है जो कंट्रोलर सर्किट है उसकी स्टेट चेंज हो जाएगी W1 से C1 पे सो बेसिकली फिजिकली क्या हो रहा है जो लिफ्ट है वो फ्लोर वन पे ही खड़ा है क्योंकि कोई इसको कमांड हमने नहीं दी इसके सिंपली दरवाजे बंद हो गए W1 से एक एरो जो है कनेक्ट कर रही है यू स्टेट या अप स्टेट को वो कैसे होगा अगर लिफ्ट वेट कर रही है पहले फ्लोर पे दरवाजे उसके खुले हैं रिक्वेस्ट टू प्रेस हुआ है दैट मीन्स सेकेंड फ्लोर पे किसी आदमी ने जो फ्लोर वन पे आना चाह रहा है उसने रिक्वेस्ट भेजी है सो क्या होगा लिफ्ट दरवाजे बंद करेगी और ऊपर मूव कर जाएगी और दूसरी जो रिक्वेस्ट हो सकती है जिसकी वजह से फर्स्ट फ्लोर से सेकेंड फ्लोर पर जाएगी आप जब लिफ्ट में चले गए हैं अंदर से अगर फ्लोर टू को प्रेस करेंगे तब भी लिफ्ट जो है डब्ल्यू वन स्टेट से अप स्टेट पर चली जाएगी सो अप स्टेट जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है कि लिफ्ट जो है इन मोशन है सो so, पहला डिजिट देखें लेफ्ट मोस्ट वन है दैट मीन्स डोर्स आर क्लोज सेकेंड जो डिजिट है वो वन है दैट मीन्स लिफ्ट इज़ इन मोशन मूव कर रही है और जो तीसरा डिजिट है इट इज़ ज़ीरो विच रिप्रेजेंट्स अप डायरेक्शन क्योंकि अभी भी लेफ्ट अप डायरेक्शन में मूव कर रही है अब देखते हैं C1 वन स्टेट को दोबारा से C1 वन स्टेट से या तो आप W1 वन स्टेट पर जा सकते हैं या U स्टेट या अप स्टेट पर जा सकते हैं C1 वन से W1 वन स्टेट पर कैसे जाएंगे बेसिकली C1 वन स्टेट में लिफ्ट जो है फर्स्ट फ्लोर पे वेट कर रही है सो so, अगर कोई दूसरा शख्स फ्लोर वन से फ्लोर टू पर जाने की रिक्वेस्ट कर रहा है तो लिफ्ट के दोबारा दोबारा खुल जाएंगे सो दैट मीन्स वापस W1 वन स्टेट पर आ गए या आप अंदर से ओपन बटन प्रेस करते हैं तब भी C1 से W1 स्टेट पे चले जाएंगे अगर लिफ्ट जो है C1 स्टेट में है और रिक्वेस्ट टू प्रेस किया जाता है दैट मीन्स सेकेंड फ्लोर से किसी ने रिक्वेस्ट भेजी सो so लिफ्ट जो है ऊपर की तरफ मूव करना शुरू हो जाएगा या लिफ्ट के अंदर से फ्लोर टू का बटन प्रेस किया तब भी ये अप डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगी सो दैट मीन्स सी वन जो है स्विच कर जाएगा अप स्टेट पे जब रिक्वेस्ट टू एक्टिव हो या फ्लोर टू जो है वो एक्टिव हो इसी तरह W1 से अप स्टेट में जब मूव हो रहा है वो भी रिक्वेस्ट टू एक्टिव हो या फ्लोर टू एक्टिव हो अब आइए देखते हैं अप स्टेट से जो W2 स्टेट जो है वेट टू स्टेट है वो कैसे स्विच हो रहा है W2 जो स्टेट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है लेफ्ट जब सेकेंड फ्लोर पर पहुंच गई और उधर वेट कर रही है डब्ल्यू के नीचे अगर देखें जीरो है पहला जीरो जो है लेफ्ट मोस्ट वो रिप्रेजेंट कर रहा है डोर्स आर ओपन सेकेंड जो जीरो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है मोशन दैट मीन्स जीरो है दैट मीन्स लेफ्ट इज स्टेशनरी इट इज़ नॉट मूविंग राइट मोस्ट जो डिजिट है इट इज़ वन दैट मीन्स लेफ्ट ने अब डाउन जाना है सेकेंड फ्लोर पे पहुंच गया अब फ्लोर टू से फ्लोर वन पे ही जा सकता है अब जो स्टेट है उसके नीचे वन वन ज़ीरो लिखा हुआ है लेफ्ट मोस्ट वन जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है डोर्स आर क्लोज्ड सेकेंड जो वन है सेकेंड डिजिट जो है वो वन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है लेफ्ट इज इन मोशन अगर जीरो होता है दैट मीन्स स्टेशनरी है राइट मोस्ट जो डिजिट है वो जीरो है ये डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है सो अप स्टेट से हम स्विच करके डब्ल्यू स्टेट पे कब पहुंचेंगे जब अराइव सिग्नल आएगा जैसा कि हमने बताया था लिफ्ट जो ही सेकेंड फ्लोर पे पहुंचती है एक एक्सटर्नल सेंसर जो है वो डिटेक्ट करेगा जो ही सेंसर का आउटपुट एक्टिव हो जाएगा दैट मीन्स लेफ्ट सेकेंड फ्लोर पर पहुंच गई है सो अराइव जब एक्टिव होगा स्टेट जो है अब से डब्ल्यू टू पर चेंज हो जाएगी डायग्राम में W2 टू स्टेट से सी टू स्टेट और डी स्टेट ये डिटरमिन कर रहा है सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स व्हेन द एलिवेटर मूव्स फ्रॉम द सेकंड फ्लोर टू द फर्स्ट फ्लोर सो W2 से C2 जो कि क्लोज टू को रिप्रेजेंट कर रहा है कब होगा जब रिक्वेस्ट वन भी कुछ देर के लिए नहीं आई या फोर वन जो बटन है वो भी प्रेस नहीं किया गया सो दैट मीन्स डब्ल्यू टू से सी टू स्टेट में शिफ्ट चेंज हो जाएगा स्विच हो जाएगा लिफ्ट अभी भी सेकेंड फ्लोर पे है सिंपली दरवाजे बंद हो गए हैं सो सी टू के नीचे वन जीरो वन लिखा हुआ है वन मीन्स डोर्स आर क्लोज जीरो मीन्स द लेफ्ट इज स्टेशनरी इट इज़ नॉट इन मोशन और जो एक्सट्रीम राइट right पे वन है वो इंडिकेट कर रहा है डायरेक्शन विच इज डाउन सी टू से डी स्टेट पे जाया जा सकता है स्विच किया जा सकता है या वापस डब्ल्यू टू स्टेट पे स्विच किया जा सकता है सो सी टू से डब्ल्यू टू स्टेट पे कब जाया जाएगा जब रिक्वेस्ट टू बटन किसी ने सेकंड फ्लोर से प्रेस किया सो दैट मीन्स लेफ्ट के दरवाजे खुल जाएंगे वापस डब्ल्यू टू स्टेट में आ गया या लेफ्ट के अंदर से ओपन बटन अगर प्रेस करें सो अगेन सी टू स्टेट से वापस डब्ल्यू टू स्टेट पर आ जाएंगे सी टू स्टेट से डी स्टेट डी जो स्टेट है डाउन स्टेट है वो कैसे जाया जाएगा अगर रिक्वेस्ट वन आया है, जो कि फर्स्ट फ्लोर से किसी ने रिक्वेस्ट भेजी है सो लिफ्ट सेकेंड फ्लोर से मूव करता हुआ फर्स्ट फ्लोर की तरफ जाएगा या लिफ्ट के अंदर से फ्लोर वन बटन किसी ने प्रेस किया सो so, दोनों केसेस में रिक्वेस्ट वन एक्टिव हो या फ्लोर वन एक्टिव हो सी टू स्टेट स्विच करके डी स्टेट में चेंज हो जाएगा डब्ल्यू टू स्टेट जो है वो डी स्टेट में कैसे स्विच होगा अगेन अगर रिक्वेस्ट वन एक्टिव हो या फ्लोर वन रिक्वेस्ट एक्टिव हो सो रिक्वेस्ट वन अगेन डब्ल्यू टू स्टेट मीन्स सेकेंड फ्लोर पर लिफ्ट स्टेशनरी है पहले फ्लोर से किसी ने रिक्वेस्ट भेजी है लिफ्ट जो है दरवाजे बंद करके नीचे ट्रैवल करेगा फर्स्ट फ्लोर पर पहुँच जाएगा यहाँ लिफ्ट के अंदर से किसी ने फ्लोर वन का बटन प्रेस किया अगेन लिफ्ट जो है दरवाजे बंद करके फ्लोर वन की तरफ ट्रैवल करना शुरू कर देगा सो so दोनों केसेस में जो नेक्स्ट स्टेट होगी वो डी स्टेट होगी डी स्टेट के नीचे वन 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 लिखा हुआ है जो लेफ़्ट मोस्ट वन है वो इंडिकेट कर रहा है कि दरवाजे बंद हैं क्लोज्ड हैं जो बीच वाला वन है सेकंड वन जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है लेफ्ट इज इन मोशन मूविंग है स्टेशनरी नहीं है और राइट मोस्ट वन जो है वो इंडिकेट कर रहा है डायरेक्शन विच इज़ डाउन सो डी से अगेन डब्ल्यू वन पे कब स्विच होगा जब लेफ्ट सेकेंड फ्लोर से वन फ्लोर पे पहुंची अगेन उधर एक और सेंसर लगा हुआ है जो इन सेंसर डिटेक्ट करेगा लेफ्ट फर्स्ट फ्लोर पे पहुंच गई है राइट सिग्नल जो है एक्टिवेट हो जाएगा सो so, जो ही ये सिग्नल एक्टिवेट हुआ हम स्विच कर जाएंगे स्टेट फ्रॉम D टू W1 अभी हमने एलिवेटर का जो है स्टेट डायग्राम देखा बेसिकली छः स्टेट्स हैं तीन स्टेट्स जो हैं फ्लोर वन के लिए आप कह सकते हैं जो W1 है और C1 है और अप जो है वो फ्लोर वन के लिए हैं और जो तीन स्टेट्स हैं वो हैं फ्लोर टू के लिए सो डब्ल्यू टू जो है फ्लोर टू पे होगा C2 जो है फ्लोर टू पे होगा और जो डाउन है वो बेसिकली मोशन को प्रजेंट कर रहा है जब वो फ्लोर टू से वन की तरफ ट्रेवल कर रहा है डिफरेंट कंडीशनस जो हैं बेसिकली रिक्वेस्ट वन फ्लोर वन रिक्वेस्ट टू फ्लोर टू ओपन और राइफ ये छः इंटरनल एक्सटर्नल इनपुट सिग्नल हैं जिसकी वजह से हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में स्विच कर रहे हैं बेसिकली अब हमने ये सिक्वेंशल सर्किट बनाना है नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए स्टेट डाइग्राम से बेसिकली हमने इस स्टेट डाइग्राम को कन्वर्ट करना है इन टू ए स्टेट टेबल सो स्टेट टेबल जब बन जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे अगेन वो एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे और एक्सप्रेशन से हम एक सर्किट इम्प्लीमेंट कर सकते हैं सो so, आइए देखते हैं कि स्टेट डायग्राम से स्टेट टेबल्स कैसे बनेंगे पहला जो टेबल दिखाया गया ये है स्टेट टेबल फॉर एलिवेटर कंट्रोल फॉर रिक्वेस्ट वन फ्लोर वन एंड ओपन इनपुट्स सारे इनपुट्स नहीं दिखाए गए सिर्फ ये तीन इनपुट्स को कंसिडर किया गया सो लेफ्ट मोस्ट कॉलम में प्रेजेंट स्टेट दिखाया गया डब्ल्यू वन सी वन अप डब्ल्यू टू सी टू एंड डाउन डी ओ डब्ल्यू वन जो है बेसिकली जीरो ज़ीरो ज़ीरो से रिप्रेजेंट हुआ है सी वन जो है वन जीरो जीरो से रिप्रेजेंट हुआ है इसी तरह आप जो है वन वन जीरो फिर नेक्स्ट जो है ज़ीरो जीरो वन सी टू जो है वन ज़ीरो वन डी डाउन जो है वन 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 से नेक्स्ट स्टेट जो है वो डिपेंड करता है कि कौन सा इनपुट एक्टिव है सो रिक्वेस्ट वन अगर ज़ीरो है सो नेक्स्ट स्टेट जो अगर डब्ल्यू वन है तो इट डजेंट मैटर नेक्स्ट स्टेट जो है वो डिपेंड करता है एक्सटर्नल इनपुट जो है वो क्या है सो अगर रिक्वेस्ट वन इनपुट को आप देखें रिक्वेस्ट वन अगर ज़ीरो हो या वन हो अगर इनिशियल स्टेट डब्ल्यू वन है तो आउटपुट जो है डोंट केयर क्योंकि डब्ल्यू वन पर रिक्वेस्ट वन जो सिग्नल है वो अप्लाई नहीं हो रहा अगर सी वन या क्लोज वन स्टेट पे हैं और रिक्वेस्ट वन जो है वो ज़ीरो है तो हम सी वन स्टेट पर ही रहेंगे अगर रिक्वेस्ट वन जो है वो वन है सो तो हम चेंज कर जाएंगे या शिफ्ट कर जाएंगे या नेक्स्ट स्टेट जो होगी वो है डब्ल्यू वन वेट वन इसी तरह अगर इनिशियल स्टेट अप है सो रिक्वेस्ट वन जो है इनपुट वो जीरो हो वन हो इट डजेंट मैटर डब्ल्यू टू अगर इनपुट स्टेट है या इनिशियल स्टेट है रिक्वेस्ट वन ज़ीरो हो तो हम स्विच कर जाएंगे सी टू क्लोज टू स्टेट को या अगर रिक्वेस्ट वन जो है वो वन है तो हम डब्ल्यू टू से स्विच कर जाएंगे डाउन स्टेट पे इसी तरह अगर C2 टू इनिशियल स्टेट है रिक्वेस्ट वन जीरो है तो C2 टू पे स्विच करेंगे रिक्वेस्ट वन जो है वन है तो डाउन स्टेट पर स्विच कर देंगे डाउन स्टेट अगर इनिशियल स्टेट है तो रिक्वेस्ट वन जीरो हो वन हो डोंट केयर है इसी तरह अगर फ्लोर वन इनपुट को देखें फ्लोर वन इनपुट जीरो हो वन हो अगर हम इनिशियल स्टेट डब्ल्यू वन पे हैं तो इट डजेंट मैटर नेक्स्ट स्टेट क्या है डोंट केयर है इसी तरह अगर C1 वन इनिशियल स्टेट है तब भी फ्लोर वन जीरो हो वन हो इट डज़ेंट मैटर अगेन अप इनिशियल स्टेट है तो फ्लोर वन बटन जो इनपुट है उसका नेक्स्ट स्टेट पे कोई असर नहीं पड़ा अगर हम इनिशियल स्टेट डब्ल्यू टू पर हैं वेट टू पे हैं और फ्लोर वन जीरो है तो नेक्स्ट स्टेट जो है वो सी टू होगी अगर फ्लोर वन जो एक्सटर्नल इनपुट है वो वन है तो नेक्स्ट डेट डाउन होगी इसी तरह अगर इनिशियल स्टेट क्लोज टू है सी है फ्लोर वन जीरो है तो नेक्स्ट डेट सी ही रहेगी और फ्लोर वन अगर वन है तो डाउन स्टेट में हम स्विच कर लास्ट अगर बटन को देखें ओपन ओपन बटन का जो इफेक्ट है वो सिर्फ C1 वन या क्लोज वन स्टेट पे है अगर इनिशियल स्टेट C1 वन है ओपन जो है वो ज़ीरो है तो हम C1 वन में रहेंगे अगर ओपन वन है तो हम C1 वन से स्विच करके W1 वन चले जाएंगे बाकी किसी स्टेट पे ओपन बटन का कोई इफेक्ट नहीं है ये अगर आप स्टेट डायग्राम देखें उसमें से भी ये क्लियर नज़र आ रहा है फ्लोर वन जो बटन है वो तभी एक्टिवेट हो रहा है या इस्तेमाल हो रहा है जब हम डब्ल्यू टू स्टेट में हैं या सी टू स्टेट में हैं इसी तरह जो रिक्वेस्ट वन बटन है वो हम फ्लोर वन पे भी इस्तेमाल कर रहे हैं और फ्लोर टू पे भी इस्तेमाल कर रहे हैं दैट मीन्स सी वन स्टेट पे भी एक्टिवेट होना चाहिए डब्ल्यू टू और सी टू स्टेट पे भी रिक्वेस्ट वन बटन की वजह से हम स्टेट चेंज कर रहे हैं ओपन जो बटन है वो सी वन स्टेट में ही इस्तेमाल हो रहा है बाकी कहीं इस्तेमाल नहीं हो रहा नेक्स्ट जो टेबल है ये अगेन स्टेट टेबल है फॉर एलिवेटर कंट्रोल फॉर रिक्वेस्ट टू फ्लोर टू एंड ओपन इनपुट्स अगेन लेफ्ट मोस्ट कॉलम में प्रेजेंट स्टेट दिखाया गया है सो हमारे पास छह प्रेजेंट स्टेट्स हैं डब्ल्यू वन सी वन अप डब्ल्यू टू सी टू एंड डाउन नेक्स्ट स्टेट जो है रिक्वेस्ट टू बटन की वजह से अगर W1 वन इनिशियल स्टेट है रिक्वेस्ट टू जीरो है तो हम स्विच कर जाएंगे C1 वन स्टेट पर अगर रिक्वेस्ट टू वन है तो हम W1 वन से स्विच कर जाएंगे अप स्टेट पर इसी तरह अगर इनिशियल स्टेट C1 वन है रिक्वेस्ट टू जीरो हो तो हम C1 वन पर ही रहेंगे रिक्वेस्ट टू अगर वन है तो हम अप स्टेट पर स्विच कर रहे हैं C2 अगर इनिशियल स्टेट है रिक्वेस्ट टू जीरो है तो C2 टू स्टेट पर रहेंगे अगर रिक्वेस्ट टू वन है तो सी से हम स्विच कर जाएंगे डब्ल्यू टू अगर फ्लोर टू बटन को देखें अगेन W1 अगर इनिशियल स्टेट है तो फ्लोर टू बटन जीरो है तो C1 में रहेंगे अगर फ्लोर टू वन है तो आप स्टेट में स्विच कर जाएंगे C1 अगर इनिशियल स्टेट है अगेन फ्लोर टू ज़ीरो होगा तो C1 स्टेट में रहेंगे फ्लोर टू बटन अगर वन है एक्टिव हो गया तो हम अप स्टेट में स्विच कर जाएंगे ओपन जो बटन है अगर हम इनिशियल स्टेट C2 में है ओपन ज़ीरो है तो C2 में ही रहेंगे अगर ओपन वन है तो W2 स्टेट में शिफ्ट कर जाएंगे इन दोनों स्टेट टेबल्स को अगर आप देखें दूसरे वाले के केस में रिक्वेस्ट टू और फ्लोर टू बटन जो हैं इनका आउटपुट सिमिलर है अगर W1 वन स्टेट में है C1 वन स्टेट में है रिक्वेस्ट टू एक्टिव है या फ्लोर टू एक्टिव है दोनों के केस में नेक्स्ट स्टेट जो है वो अप है अगर दोनों में से कोई बटन नहीं प्रेस हुआ तो इनिशियल स्टेट C1 ही है इसी तरह अगर C2 टू इनिशल स्टेट को देखें अगर रिक्वेस्ट टू बटन प्रेस किया गया या ओपन बटन प्रेस किया गया दोनों के केस में नेक्स्ट स्टेट जो है W2 है अगर ओपन बटन प्रेस नहीं किया गया रिक्वेस्ट टू बटन प्रेस नहीं किया गया इनिशियल स्टेट C2 है इसी तरह रिक्वेस्ट वन फ्लोर वन और ओपन बटन का भी देखा जा सकता है अभी हमने स्टेट टेबल देखा जो हमने डिराइव किया स्टेट डायग्राम से हमने बेसिकली दो टेबल्स की फॉर्म में लिखा है क्योंकि हमारे पास काफ़ी सारे इनपुट्स हैं बेसिकली एक ही स्टेट टेबल बनेगा एक स्टेट डायग्राम से सो so, छह हमारे पास इनपुट्स थे रिक्वेस्ट वन फ्लोर वन और ओपन पहले फ्लोर के केस में और फिर दूसरे के फ्लोर के केस में हमने रिक्वेस्ट टू फ्लोर टू और ओपन को हमने कंसिडर किया जो छठा इनपुट था अराइव वो हमने इसमें नहीं दिखाया वो आ, आगे जाके एक और स्टेट टेबल बनाएंगे उसमें हम कंसिडर करेंगे इससे पहले कि हम आगे जाएं और एक्सप्रेशन डिराइव करें एक और इंपॉर्टेंट बात है जो बटन्स हैं फ्लोर वन फ्लोर टू ओपन बटन है जो रिक्वेस्ट बटन है रिक्वेस्ट वन और रिक्वेस्ट टू बटन है ये एस किसी वक्त भी प्रेस हो सकते हैं सिक्वेंशल सर्किट जैसे कि आपको मालूम है फ्लिप फ्लॉप्स जो हैं स्टेट अपनी चेंज करेंगे जो ही एक क्लॉक पल्स आएगी सो लेट अस सपोज कि एक पहले क्लॉक पल्स आ चुकी है अभी दूसरी क्लॉक पल्स नहीं आई उस इंटरवल में किसी ने रिक्वेस्ट वन बटन प्रेस कर दिया, कोई सा भी बटन फ्लोर वन बटन प्रेस कर दिया प्रेस करके छोड़ दिए सो so, उस शॉर्ट इंस्टेंट के लिए वो वन हुआ फिर वापस जीरो हो गया जब सेकेंड क्लाक पल्स आई फ्लिप फ्लॉप को जब वो नेक्स्ट डेट में चेंज करेगी तो इनपुट जो है वो जो पहले ओरिजिनल था वही है जो रिक्वेस्ट वन बटन प्रेस किया है या फ्लोर वन बटन प्रेस किया है उसकी वजह से इनपुट पे कोई चेंज नहीं आया सो so बेसिकली क्या करना पड़ेगा हमें कुछ मेमोरी एलिमेंट्स लगाने पड़ेंगे हर बटन के आउटपुट पे। सो लेट्स से फ्लोर वन जब मर्जी आप प्रेस करें उसका जो फ्लोर वन बटन को जब आपने प्रेस किया वो एक्टिव हो जाएगा हाई हो जाएगा उस स्टेट को हमने स्टोर कर देना मेमोरी में जो ही सीक्वेंशियल सर्किट के फ्लिप फ्लॉप पे क्लॉक पल्स आई उस इनपुट को वो कंसिडर करेगा इसी तरह से ओपन बटन है उसके आउटपुट पे हमें एक लैच लगाना पड़ेगा जो ही आपने ओपन प्रेस किया जब मर्जी आप प्रेस करें वो लैच जो है वो सेट हो जाएगा जो ही नेक्स्ट क्लॉक पल्स आई फ्लिप फ्लॉप जो है उस लैच आउटपुट को कंसिडर करेगा और नेक्स्ट स्टेट पर स्विच कर जाएगा सो आइए देखते हैं कि ये जो ब्लॉक डायग्राम है इस सिक्वेंशल सर्किट का ये अब कैसे नज़र आएगा जब हम इन लैचेस को इनकॉपरेट कर रहे हैं फॉर ऑल दी सिक्स इनपुट्स सिक्स इनपुट्स नहीं बेसिकली अराइव जो है उसके लिए हमें नहीं चाहिए क्योंकि वो अलहदा से सेंसर है और उसको हम इस तरह कंट्रोल कर सकते हैं कि वो एक्टिव थ्रू आउट एक्टिव रहे सो so, जो पांच इनपुट्स हैं जो लेफ्ट के बाहर और लेफ्ट के अंदर जो बटन्स लगे हैं उनके लिए हमें पांच लैचेस चाहिए होंगे सो so, आइए देखते हैं ब्लॉक डायग्राम एलिवेटर का सिक्वेंशल सर्किट का ब्लॉक डायग्राम दिखाया गया लेफ्ट हैंड साइड पे लैचेस दिखाई गई हैं so, सो जो पांच बटन इनपुट्स हैं रिक्वेस्ट वन रिक्वेस्ट टू फोर वन फोर टू ओपन ये लैचेस के साथ कनेक्टेड हैं लैचेस इफ यू रिमेंबर उसके साथ कोई क्लॉक इनपुट नहीं होता है लैच जो है जब भी इनपुट्स चेंज हुए जे के लैच हो सकती है एस आर लैच हो सकती है डी लैच हो सकती है जो ही इनपुट पे चेंज हुआ आउटपुट सेट या रीसेट हो जाएगा लैचेस का जो आउटपुट है वो नेक्स्ट स्टेट कॉम्बिनेशनल सर्किट के इनपुट के साथ कनेक्टेड है नेक्स्ट स्टेट कॉम्बिनेशन सर्किट जैसा हमने के पढ़ा था ये जनरेट कर रहा है एक्साइटेशन इनपुट्स इसका जो एक इनपुट है वो स्टेट वेरिएबल्स हैं जो कि मेमरी के आउटपुट से आ रहे हैं और दूसरे जो इनपुट्स हैं वो एक्सटर्नल इनपुट्स हैं जो कि लैचेस से आ रहे हैं नीचे एक अराइव इनपुट दिखाया गया जो कि हम कह रहे थे कि सेपरेट सेंसर से आ रहा है नेक्स्ट स्टेट कॉम्बिनेशन सर्किट एक्साइटेशन इनपुट्स प्रोवाइड करेगा मेमोरी एलिमेंट के लिए मेमोरी एलिमेंट जो है फ्लिप फ्लॉप से इंप्लीमेंट किया जाएगा मेमोरी एलिमेंट्स जो हैं नेक्स्ट स्टेट पे स्विच होंगे जब क्लॉक पल्स सप्लाई होगा और एक्साइटेशन इनपुट्स पे डिपेंड करेगा जो भी एक्साइटेशन इनपुट्स होंगे जो ही क्लॉक पल्स आया नेक्स्ट डेट पर चेंज कर जाएगा एक्स्ट्रीम राइट right पे जो ब्लॉक दिखाया गया वो है आउटपुट कॉम्बिनेशनल सर्किट आउटपुट कॉम्बिनेशन सर्किट जो है वो बेसिकली करंट स्टेट है वो ही आउटपुट है बेसिकली ये एक मिली मशीन है जिसका आउटपुट डिपेंड कर रहा है करंट स्टेट पे अभी हमने बताया कि जो बटन इनपुट्स हैं वो एसकोनसली किसी टाइम एक्टिव हो सकते हैं सो so उनको स्टोर करने के लिए ताकि हमारा सिक्वेंशल सर्किट है उनको यूज़ करें हमें इनपुट पे लैचेस लगाने पड़ेंगे हमने ब्लॉक डायग्राम देखा इनपुट पे हमने लैचेस इस्तेमाल किए हैं आइंदा लेक्चर में मज़ीद हम डिस्कशन करेंगे कि पांच लैचेस की जगह हम दो लैचेस भी इस्तेमाल कर सकते हैं सो so, इसको ज़रा काइंडली देख लीजिएगा रिवाइज़ कर लीजिएगा स्टेट डायग्राम जो हमने पढ़ा है स्टेट टेबल्स जो हैं आइंदा इन दोबारा इस पर डिस्कशन जारी रखेंगे ना ख्याल रखिएगा ख़ुदाफ़िज असल